गाइस, दिस इज शिखा और स्वागत है आपका मेरे चैनल बिगनर्स क्रिएटिविटी में, जहां मैं आपके साथ शेयर करती हूँ ऑनलाइन शॉपिंग हॉल। सो आज का जो मेरा वीडियो है, ये मोस्ट डिमांडिंग वीडियो है। मुझसे डिमांड किया गया था कि मैं मौनी रॉय के ब्लैक शरारा सूट का रिव्यू करूँ, तो आज मैं उसका रिव्यू आपको देने वाली हूँ। ये मैंने ब्लैक शरारा सूट ऑर्डर किया है, ये देखिए, इसमें शरारा है, ऊपर कुर्ता है और दुपट्टा है, ये तीन पीस का सेट है। सो मैं शुरुआत करती हूँ इसके शरारा से। ये देखिए, ब्लैक कलर का शरारा है ये। आप एक बार पास से देखेंगे तो आपको इसका जो फैब्रिक है और जो इसका डिजाइन है वो बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ये देखिएगा, आप देखेंगे कि एक बहुत ही, आप एक बार फैब्रिक पास से देखिए, आपको पता चल जाएगा कि फैब्रिक कितना ज्यादा खराब है। ये देखिए, बहुत अजीब सी इस पर कढ़ाई हो रखी है। फिर उसके बाद ये मिरर हैं जो ऊपर से पेस्ट किए गए हैं, तो पहनने में भी मुझे लगता है कंफर्टेबल नहीं होगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा चुभने वाला है। और मैंने इसकी, मुझे मतलब ये काफी डिमांड किया गया था कि मैं शरारा सूट का रिव्यू करूं, सो मैं इसका रिव्यू इसलिए कर रही हूं। अदरवाइज मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया था, मैं इसका बिल्कुल रिव्यू नहीं करने वाली थी। ये देखिए, ना ही इसकी सिलाई अच्छी है, ना ही इसका फैब्रिक अच्छा है। आप देखेंगे तो एक बार पास से देखेगा, ये देखिए, बहुत ही मतलब गंदी सी सिलाई है, अजीब सी कढ़ाई है, जो भी कुछ है, मतलब मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। आप मेरा थंबनेल चेक करेंगे तो ये फोटो में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत था, मौनी रॉय ने पहना हुआ था, बहुत ही प्यारा लग रहा था। अब बात करती हूँ इसके कुर्ते की, तो ये देखिए, ये है इसका कुर्ता, ये देखिए, मतलब कुछ है ही नहीं इस सूट में इस तरह का है। ऐसा लग रहा है कि कोई प्लेन ब्लैक साड़ी ले करके उसमें से ऐसे ही स्टिच कर दिया है, और ऊपर से इस पर जहां मन किए वहां पर इस पर मिरर चिपका दिए हैं। आप इसके स्लीव्स देखेंगे, ये देखिए, अगर आपको ये क्लियरली दिख रही है तो मतलब बहुत ही ज्यादा खराब है, स्टिचिंग क्वालिटी इज वेरी वेरी पुअर। ये देखिए, आप एक बार पास से देखेंगे तो ये देखिए, जिसकी स्टिचिंग क्वालिटी है बहुत ही ज्यादा खराब है, मतलब बिल्कुल फिनिशिंग ही नहीं है किसी चीज में। ये देखिए, इसका जो नेक पर, ये देखिए, मतलब बहुत ज्यादा बेकार है, फैब्रिक बेकार, इसका इनर बेकार, इसका डिजाइन बेकार, सब कुछ बेकार है। अब इसका थर्ड पीस की अगर मैं बात करूं तो ये है इसका दुपट्टा। इस दुपट्टे को जैसे ही आप उठाएंगे तो उसके स्टोन गिरने शुरू हो जाएंगे, ये देखिए, स्टोन तुरंत झड़ने शुरू हो जाते हैं। ये नेट का बहुत ही चीप सी नेट है, उसका दुपट्टा है। सो ये है इस प्रोडक्ट का रिव्यू, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया है। और इसको मैंने 1199 रुपीज में, 1200 ही है, 1200 रुपीज में परचेज किया है। और मुझे लगता है इस तरह का, मतलब परचेज करने से अच्छा है हम कोई भी अच्छा सा फैब्रिक ले और उसे टेलर से डिजाइन करवाएं, या अगर आप खुद कर सकते हैं तो खुद डिजाइन करें, तो मतलब ज्यादा बेहतर लगने वाला है। सो मेरी तरफ से ये पीस बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। जिसने भी मेरे मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि मैं इसका हॉल शेयर करूं, सो ये ट्रू हॉल आपके सामने इसका मैंने प्रेजेंट कर दिया है। अब आपकी विश है, अगर आपको अच्छा लगता है तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, आप वहां से परचेज कर सकते हैं। अदरवाइज जो मेरा सजेशन है वो ये है कि ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, वेस्टेज ऑफ मनी है, सो प्लीज इसको परचेज मत कीजिएगा। आई होप आपको मेरा रिव्यू जेन्युइन लगा होगा। सो प्लीज अगर अच्छा लगता है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये कैसा लगा, सो दैट मुझे पता चले कि मेरे जो व्यूअर्स हैं और उनकी और मेरी चॉइस कितनी सिमिलर है। और प्लीज मेरे चैनल को, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।